हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे मटेरियल का सम आता है, वैसे लेबर का भी आता है। इसको लेबर वेरिएंस बोलते हैं। क्वेश्चन चिल्लू सा दिया चार, पर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, 10 मार्क के लिए आ सकता है, राइट। तो क्या दिया है, लेबर कॉस्ट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट वेरियंस बनाना है, फाइंड करना है। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में 15 आउटपुट बना रहे हैं और एक घंटे का 4 रुपया है, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया 1000, और एक्चुअल आवर्स कितना स्पेंड किया 15,300, और एक घंटे का रेट कितना 3.90। तो ये इन्फॉर्मेशन को कैसे टेबल में प्रेजेंट करेंगे एकदम अच्छे से सॉल्व करके, राइट। तो इसे सबसे पहले लिखने का स्टैंडर्ड और एक्चुअल। क्वांटिटी कब लिखने का, जब मटेरियल होएगा तभी अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेबर। तो क्वांटिटी के जब आएगा आवर्स, क्या आएगा आवर्स, ताकि तुमको समझा दूँ, है ना। इधर मैंने मटेरियल का सम पहले सॉल्व कर चुका, तुमको मिल जाएगा। तभी हम लोग लेबर पर फोकस करते हैं। इधर बोला स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, क्या वर्ड आया पर का मतलब एक होता है। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लिया, 15 घंटा लिया। और एक घंटे का कितनी पगार है स्टैंडर्ड रेट, 4 रुपीज पर यूनिट बोले कि पर आवर बोला, पर आवर मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 4 रुपये। और फिर उन लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक को बनाने के लिए, एक गाड़ी को बनाने के लिए 15 घंटे, समझ लो 15 लग रहा है। तो वैसे उन्होंने कितना बनाया, 1000 यूनिट्स। कितना बनाया, एक्चुअल मतलब असली का 1000 बनाया, जिसके लिए कितना घंटा काम किया, 15,300। कितना घंटा काम किया, 15,300। और एक घंटे की रेट कितना एक्चुअल, 3.90। स्टैंडर्ड मतलब लोग सोच के रखे, और एक्चुअल मतलब जो हुआ है। तो ये कभी भी आउटपुट देखने का, बैलेंस सेम है कि अलग है, अलग है, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। देखो रेट आसपास है, 4 रुपये और 3.9, ये आसपास है, और ये कितने दूर कितने पास, तो वी हैव टू फाइंड। अपने को स्टैंडर्ड आवर ढूंढना है फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर एक का 15 है तो 1000 का कितना होएगा, तो कैसे ढूंढेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, शाबाश। और इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा 15000। कितना आएगा, इधर 15000 लिख देंगे, ये तुम्हारा मेन हीरो हो जाएगा। देखो अभी आसपास आ गया ना, ये 15000 3004, तो ये आ गया। अभी हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, लेबर कॉस्ट वेरियंस, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, फिर लेबर रेट वेरियंस। रेट मतलब प्राइस होता है, प्राइस भी लिखा तो भी चलेगा। तो लेबर कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला है, जैसे मटेरियल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, है ना। क्वांटिटी आता है इधर, क्या आता है क्वांटिटी। तो लेबर में क्या लिखना है, क्यू के जगह पे एच लिखने का, आवर्स, क्या लिखेंगे आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, 15000। कितना है, तो 15000, और को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 15,004। फिर माइनस आनेंगे, एक्चुअल आवर कितना है, 15,300 मल्टीप्लाई बाय 3.90। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 59,670, है ना। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर 330 आ रहा है, और आंसर प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो जब भी प्लस में आएगा ना, प्लस में, तो एफ लिख देंगे, एफ फेवरेबल, और माइनस में आएगा तो एडवर्स, एडवर्स मतलब बेकार, तो इधर एफ लिख देंगे हम फेवरेबल, ओके। तो ये लेबर कॉस्ट वेरियंस है, क्या ये लेबर कॉस्ट वेरियंस। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, क्या निकालेंगे, तो लेबर एफिशिएंसी में दोनों आवर्स को माइनस करना है, दोनों आवर्स को, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, क्या माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो फॉर्मूला भी याद करा रहा हूँ, इधर क्वांटिटी था ना भाई, इधर क्या आएगा आवर्स आएगा, क्यू के जगह पे क्या आ जाएगा, इधर एच। तो स्टैंडर्ड आवर कितना है, 15000, एक्चुअल आवर कितना है, 15,300, और स्टैंडर्ड रेट क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 रुपया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो माइनस 300 आएगा, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा, माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में क्या डालेंगे, ए बोले तो एडवर्स, एडवर्स बोले तो बेकार। अब वैसे क्या निकालेंगे, लेबर रेट वेरियंस, क्या निकालेंगे, तो रेट में दोनों रेट को माइनस करने का, रेट में दोनों रेट को माइनस करने का, तो 4 - 3.90, है ना। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 है, एक्चुअल रेट कितना, 3.90, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल आवर किससे करेंगे, एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर, और ये एक्चुअल आवर है, एक्चुअल आवर कितना है, 15,300। इन दोनों का माइनस किया तो 10 पैसा आया, और 15,300 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आंसर 1530 आ रहा है, 1530। ये प्लस में आंसर आया तो फेवरेबल हो गया, क्या हो गया, फेवरेबल। तो आप लोग आंसर चेक भी कर सकते हैं कि राइट किया कि रॉन्ग किया। तो क्या करने का, लेबर कॉस्ट है ना, इसको साइड में रखने का, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को प्लस या माइनस करके ये आंसर मिलेगा। तो ये एडवर्स है, एडवर्स मतलब बेकार, बेकार मतलब माइनस, ये माइनस, ये माइनस में है, और एफ मतलब फेवरेबल, ये माइनस में है, तो ये प्लस में, ये प्लस में है।
तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे 330 आएगा, माइनस बढ़ा कि प्लस बढ़ा, प्लस बढ़ा है ना, तो प्लस में आंसर आ रहा है, मतलब प्लस बोलेंगे तो फेवरेबल, तो ये आंसर तुम्हारा इससे मैच हो रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके ये मिला, मतलब तुम्हारा आंसर राइट आया, क्या है राइट आया। तो अभी तुमको फॉर्मूला याद करो, अगर मटेरियल आया ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, तो अगर लेबर आ गया ना तो क्यू के जगह पे क्या डाल देने का, एच आवर्स, यूसेज में क्या आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, तो इधर क्या है स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर, क्यू के जगह पे एच, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इधर एक्चुअल क्वांटिटी है तो इधर क्या एक्चुअल आवर्स आएगा। इस तरह तुम्हारा लेबर का सम सॉल्व हो गया, किसका सम सॉल्व हो गया लेबर का, और भी सब मैंने सॉल्व कर दिया, अपलोड कर दिया, बट जस्ट यू हैव टू चेक माय डियर स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।